छिलका ना दबाया था आगे आने इस आम बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया। वुमेन एम्पावरमेंट का मामला मैं समझता हूँ कोई भी इनकार नहीं कर सकता आज के जमाने में, लेकिन झगड़ा मैं सुबह से देख रहा हूँ क्रेडिट के लिए, कोई कैश की बात ही नहीं कर रहा है। असल बल तो लाए थे राजीव गांधी जी, ये तो सबको मानना पड़ेगा, और उसके बाद लोकसभा अपनी बात अपने टाइम पे बोलिए, हमारे टाइम पे मत बोलिए, डिस्टर्ब क्यों करते हैं। उसके बाद लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उसको पास किया, राज्यसभा में जब गया तो इसी बीजेपी पार्टी ने उसका इनकार किया, उसका साथ नहीं दिया। आज क्रेडिट लेने की बातें हो रही है, हकीकत यह है कि औरतों का ये बिल पास होना चाहिए, हमारी पार्टी इसका पूरा पूरा सपोर्ट करती है, और मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी पद यात्रा ने इनकी नींदें हराम कर दी है, नींदें हराम कर दी है। प्लीज प्लीज क्या ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं, ही इज नॉट हेल्डिंग मिनिस्टर, परेशान है, बिल के ऊपर बिल लाएंगे। ये सेशन में जो बुलाया गया ना उसी का एक हिस्सा है। थैंक यू। किसी को पता ही नहीं है क्यों बुलाया गया, इसलिए सर जी आप बैठे बैठे, आप अच्छे आदमी है, मैं जानता हूँ, बैठे आप इधर एड्रेस करो। तो ये इसलिए मेरा ये कहना है राहुल जी, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी पद यात्रा को जारी रखे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हर हफ्ते में एक सेशन बुलाएंगे, हर हफ्ते में एक सेशन बुलाएंगे और नया नया बिल। अब देखिए प्लीज, मंदिर मस्जिद का झगड़ा तो लास्ट टाइम पे इलेक्शन में खत्म हो गया, अब तो फिर बाबरी मस्जिद दूसरा बनने वाला नहीं है, वो उन्होंने बना लिया मंदिर, कोई बात नहीं। इस मरतबा क्या मुद्दा लाए उसके लिए परेशान है, वो औरतों के तलाक का मामला लावे, कश्मीर का मसला लावे, रिजर्वेशन का मसला लावे, औरतों के मसलों पर। ये रिजर्वेशन जो है ये मिलना था औरतों का हक है, लेकिन इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि सर थोड़ी देर के लिए उन बच्चियों का भी सोचिए जो पार्लियामेंट तक आने के बारे में उनका एडुकेशन नहीं है, या वो आते हैं तो उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों ये पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां औरतों को टिकट देने में इतना कंजूसी करती है, एक मरतबा दिल खोल के सिर्फ पार्लियामेंट में बोलने से नहीं होगा सर, मैदान में भी काम करना पड़ेगा। आज मेरे आसाम का हाल ये है सर, मैं आसाम से आता हूँ, फ्लड और इलेक्शन की वजह से हमारे लोग तबाह और बर्बाद हो गए, बड़ी बड़ी आबादियां खत्म हो गई सर, इसलिए हम इसकी तायद करते हैं। और इस हाउस से मैं जो है आपके माध्यम से कि हमारे फ्लड और इरिगेशन को जरूर देखिए, आसाम बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, प्लीज उसको बचा लें। धन्यवाद श्री।